नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज की जो शुरुआत है वो सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग के साथ करेंगे कि सीएनसी मशीन की जो प्रोग्रामिंग है वो कितने प्रकार की होती है। तो टाइप्स ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग की आज हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको प्रोग्रामिंग के साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि सीएनसी मशीन जो है वो कितने प्रकार की जो प्रोग्रामिंग होती है सीएनसी मशीन की, और उसके बाद में किस किस आधार पर हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स होते हैं और जो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस प्रकार से जो है वो फाइंड किए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग की, कि टाइप्स ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों मेनली जो है वो सीएनसी मशीन में दो प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है। तो सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो होती है हमारी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। देन उसके बाद में जो दूसरी प्रोग्रामिंग होती है उसका नाम होता है हमारा इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग जो है उसको दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। एक तो जो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है उसको हम डायमीटर के आधार पे करते हैं, और जो दूसरी जो प्रोग्रामिंग होती है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में उसको हम रेडियस के आधार पे करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग को दो प्रकार से कर सकते हैं, उसी प्रकार इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग जो होती है उसको भी हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम इंक्रीमेंटल की जो प्रोग्रामिंग है उसको करेंगे डायमीटर के आधार पर, और दूसरा जो है वो हम रेडियस के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल का जो टाइम है उस समय, इस समय में सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रामिंग की जाती है, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग हो चाहे वो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग हो, वो सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रामिंग है वो डाया के आधार पर की जाती है। क्योंकि डाया के आधार पर जो प्रोग्रामिंग की जाती है उस प्रोग्रामिंग को पढ़ना और प्रोग्राम बनाना बहुत ही आसान होता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग जो होती है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है सीएनसी मशीन का। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक्सिस बता देता हूँ कि सीएनसी जो टर्निंग मशीन होती है उसमें दो एक्सिस होते हैं। सबसे पहला एक्सिस होता है हमारा एक्स एक्सिस, जो हमारा डाया को कंट्रोल करता है, डायमीटर को, और दूसरा जो हमारा एक्सिस होता है वो होता है हमारा जेड एक्सिस, जो हमारा पार्ट की लेंथ को कंट्रोल करता है। तो जो एक्स एक्सिस होता है वो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट्स में दिखाया जाऊँ तो इस प्रकार से दिखेंगे हमारा, कि ऊपर वाली साइड में हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स जो है वो प्लस में होता है, नीचे वाली साइड में जो एक्स होता है वो हमारा माइनस में होता है, और उसके बाद में ये एक लाइन है। तो ये जो लाइन होती है इस वाले सेंटर पॉइंट से इधर का जो पॉइंट है वो आपका जेड प्लस में रहेगा, जेड एक्सिस प्लस में रहता है, और इधर का जो रहेगा वो आपका जेड जो है वो माइनस में रहता है। ये जो सेंटर पॉइंट होता है, इस सेंटर पॉइंट के ऊपर एक्स और जेड की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, क्योंकि एक्स की जो शुरुआत जो है वो इसी सेंटर पॉइंट से शुरू होगी, और वो एक्स में चाहे माइनस में जाए चाहे जेड प्लस में जाए वो यहीं से रीड करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में ये जो मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं इसमें किस प्रकार से रीड की जाती है। तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में जो डाया के आधार पर प्रोग्रामिंग होती है वो किसी जॉब के पूरे डाया को रीड करता है, कि पूरा का पूरा डाया कितना है, और कहाँ से रीड करेगा, ये सेंटर पॉइंट से रीड करेगा। एक प्रकार से यहाँ पर जो है वो हमारा सेंटर पॉइंट बन रहा है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हुआ जॉब का, और इधर वाली साइड में हमारा एक्स प्लस एक्सिस है, नीचे हमारा एक्स माइनस एक्सिस है, और इधर वाली साइड हमारा जो है वो जेड एक्सिस है, और इधर वाली साइड में हमारा जो है वो जेड माइनस एक्सिस है। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग जो होती है वो डाया के आधार पर कैसे की जाती है। तो मैंने आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है क्या। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में जॉब का पूरा डाया लिया जाता है, और लेंथ फ्रॉम सेंटर पॉइंट, मतलब आपके जो डाया है एक्स की वैल्यू है जो वो इसी सेंटर पॉइंट से रीड की जाएगी, और आपकी लेंथ भी जो है वो इसी सेंटर पॉइंट से, आपका टूल अगर आगे की ओर बढ़ता है तो वो इसी सेंटर पॉइंट से टोटल लेंथ को जोड़ता हुआ आगे की ओर जाएगा। इसी प्रकार से वो इसी पॉइंट से अगर एक्स में ऊपर की ओर बढ़ रहा है चाहे वो नीचे की ओर आ रहा है, पूरी की पूरी वैल्यू को सेंटर पॉइंट से जोड़ता हुआ आगे या पीछे की ओर बढ़ेगा। तो और आपका जो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर जो आपका जो डाया होता है, डाया आपका इंक्रीमेंटल डाया और डिक्रीमेंटल डाया, डाया में इंक्रीमेंट भी हो सकता है और आपका डिक्रीमेंट भी हो सकता है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि अगर आपका टूल ऊपर की ओर जा रहा है तो डाया में आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, टूल अगर आपका नीचे की ओर आ रहा है तो डाया में आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब इंक्रीमेंट मतलब बढ़ जाना, और डिक्रीमेंट मतलब क्या हुआ, कम हो जाना। और लेंथ जो होता है सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो तो सेंटर पॉइंट से रीड करेगा, चाहे वो एक्स एक्सिस का हो चाहे वो जेड एक्सिस का हो, लेकिन उसके बाद में जो भी पॉइंट्स आते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो आपके
लेंथ फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट से रीड करेगा, जिस पॉइंट्स भी पर आपका रुका होगा वो उसी पॉइंट्स को रीड करेगा। तो वो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको आगे बताना चाहता हूँ। हमारी जो इंक्रीमेंटल जो प्रोग्रामिंग है वो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग का कोड क्या होता है और एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग का जो जी कोड होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है उसका जो कोड होता है वो आपका होता है G90। G90 में हम लोग एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करते हैं, और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग का जो कोड होता है वो होता है हमारा G91। G91 के अंदर हम लोग जो है वो प्रोग्रामिंग करते हैं। G90 का मतलब हो गया आपका एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग का कोड हो गया, और G91 हो गया आपका इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग का कोड हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के अंदर जो एब्सोल्यूट वो होते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक जॉब बनाई है, तो जॉब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जॉब जो है वो किस प्रकार से है। ये कोई स्टेप टर्निंग का कोई पार्ट है, मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की आपको। तो इसका जो सबसे पहला जो डाया है वो सबसे छोटा डाया है वो आपका 30 mm का है, और ये जो डाया है ये आपका 40 mm का है, और ये जो डाया है आपका वो 50 mm का है। तो ये ऑल जितनी भी डायमेंशन है ये सारी की सारी mm के अंदर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी लेंथ। जो आपका डाया है 30 mm का, उसकी लेंथ जो है वो दोस्तों वो 20 mm की है, और जो आपका डाया है 40 mm का उसकी जो लेंथ है वो आपकी 25 mm है, और ये वाला जो इतना इतना ये जो पार्ट रहेगा ये आपका दोस्तों चक में रहेगा। तो सबसे पहले जब भी आप किसी पार्ट के कोऑर्डिनेट्स बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस पार्ट्स के अंदर कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो इस वाली जॉब के अंदर दोस्तों 5 कोऑर्डिनेट बनेंगे, मैं आपको पांचों कोऑर्डिनेट बताता हूँ। सबसे पहला कोऑर्डिनेट यहाँ से शुरुआत होगी आपका, सबसे पहला कोऑर्डिनेट, 2 नंबर कोऑर्डिनेट, ये आपका 3रा कोऑर्डिनेट, ये आपका 4था कोऑर्डिनेट, और ये आपका 5वां कोऑर्डिनेट। तो इस जॉब के अंदर जो वो है वो 5 कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे निकाले जाएंगे, तो मैंने आपको शुरू में पहले भी बताया था कि आपकी जो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर टोटल डाया को रीड करेंगे हम, डायामीटर के आधार पर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो टोटल डायामीटर ऑफ द जॉब लेके चलेंगे हम लोग, और लेंथ फ्रॉम सेंटर पॉइंट, हम सेंटर पॉइंट से लेंथ को रीड करेंगे और आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, उसको जोड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग बनाने के लिए आपको इस प्रकार से एक टेबल बनानी है जिसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है। ये आपके सीरियल नंबर हो गए, मतलब आपके कोऑर्डिनेट हो गए 1 नंबर कोऑर्डिनेट, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर। तो आपको सीरियल नंबर बनाना है। इसके बाद में आपको एक्स लिखना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो गई डाया के अंदर, और ये लेंथ की वैल्यू होगी आपकी जेड में, जेड आपको लिखना है यहाँ पे लिखना है आपको एक्स। तो सबसे अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के जो कोऑर्डिनेट्स है वो बनाने कैसे हैं। तो सबसे पहले मुझे एक नंबर जो कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर जाना है। एक नंबर कोऑर्डिनेट जो है ये हमारा एक्स की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 नंबर, तो 1 नंबर कोऑर्डिनेट के ऊपर टोटल जॉब का जो डाया है वो कितना है आपका 30 mm। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू जो पहले कोऑर्डिनेट में आएगी वो आपकी आएगी 30, एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 30, और जेड की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी 0, क्योंकि आपका टूल ना ही तो अभी प्लस में गया है ना ही आपका माइनस में गया, इसलिए आपका टूल यहाँ पे रुका हुआ है इस वाले पॉइंट पे। तो पहले पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू तो रहेगी आपकी 30, और जेड की वैल्यू जो रहेगी वो आपकी रहेगी 0। अब दूसरा कोऑर्डिनेट, 2 नंबर कोऑर्डिनेट पे हम जाएंगे, टूल आपका यहाँ से ऐसे चलता हुआ 2 नंबर पे पहुंचा। तो दोस्तों डाया तो आपका सेम ही है, क्योंकि जो डाया आपका 1 नंबर पे बन रहा है वही डाया आपका 2 नंबर पे बन रहा है। तो x की वैल्यू जो है वो तो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, x की वैल्यू रहेगी आपकी सेम, लेकिन जो z की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो टूल आपका यहाँ से चलता हुआ z के अंदर माइनस में चले जाएगा 20 mm, तो आपकी जो 2 नंबर कोऑर्डिनेट पे जो z की वैल्यू है वो रहेगी आपकी 20 mm की। तो दोस्तों अगले कोऑर्डिनेट पे आते हैं, अब चलते हैं 3 नंबर कोऑर्डिनेट पे। तो जो 3 नंबर कोऑर्डिनेट है, अब आपका टूल इस वाले पॉइंट से वर्किंग करता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि डाया आपका जो है वो बढ़ रहा है यहाँ पे। तो टूल आपका 2 नंबर कोऑर्डिनेट से 3 नंबर कोऑर्डिनेट की ओर जा रहा है। तो 3 नंबर कोऑर्डिनेट पे आपके जो एक्स की वैल्यू जो है वो आप लोग हम देखेंगे अभी कि आपका डाया कितने का बन रहा है 3 नंबर कोऑर्डिनेट पे। तो डाया जो बन रहा है वो 3 नंबर कोऑर्डिनेट पे आपका 40 mm का बन रहा है। तो एक्स की वैल्यू जो है वो 3 नंबर कोऑर्डिनेट पे होगी आपकी 40 mm, और टूल आपका जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, फिर आपका टूल ऊपर की ओर गया ना कि टूल आपका आगे की ओर गया है, तो इसलिए आपका जो जेड की जो वैल्यू होगी वो माइनस में यहाँ 3 नंबर कोऑर्डिनेट पे भी जेड माइनस 20 ही होगी। अब कोऑर्डिनेट नंबर 4 पे चलते हैं, आपका टूल 3 नंबर कोऑर्डिनेट से 4 नंबर कोऑर्डिनेट पे जा रहा है,
तो 4 नंबर कोऑर्डिनेट पे जब हम लोग जाएंगे, टूल हमारा जाएगा, तो आपका जो डाया है वो तो सेम ही है, क्योंकि 3 नंबर कोऑर्डिनेट पे भी 40 का डाया बन रहा है और 4 नंबर पे भी आपका जो डाया है वो 40 का ही बन रहा है। तो अब हम लोग 3 नंबर कोऑर्डिनेट से 4 नंबर कोऑर्डिनेट पे गए, तो आपका जो टूल है उस वो टोटल जो है वो लेंथ बढ़ गई आपकी, तो आपकी लेंथ जो है वो 20 तो ये हो गई और 25 ये हो गई, तो 25 और 20 मतलब आपका 4 नंबर जो कोऑर्डिनेट है उसके अंदर आपका जो टूल है वो जेड में माइनस में चल गया कितना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक टोटल वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आएगी, 45 mm आएगी, तो जेड माइनस आपका हो गया 45। अब कोऑर्डिनेट नंबर पे हम जाएंगे 5 पे, तो आपका टूल 4 नंबर कोऑर्डिनेट से 5 नंबर कोऑर्डिनेट पे जा रहा है, तो जब आपका टूल 5 नंबर कोऑर्डिनेट पे जाएगा तो एक्स की वैल्यू जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, तो 5 नंबर पे एक्स की वैल्यू जो है वो 50 हो गई और आपका टूल जो है वो जेड में माइनस में कितना हो जाएगा, जेड में आपका टूल माइनस में हो जाएगा 45, क्योंकि आपका टूल ऊपर की ओर गया ना कि आगे की ओर बढ़ा है, तो आपका टूल जो है वो जेड माइनस 45 ही रहेगा। तो ये दोस्तों ये तो थे आपके कोऑर्डिनेट जो थे, ये पहला कोऑर्डिनेट है आपका, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, ये तीसरा कोऑर्डिनेट है, ये चौथा कोऑर्डिनेट है, ये पांचवा कोऑर्डिनेट है। तो ये सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के कोऑर्डिनेट है। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में आपका जो टूल होता है वो सेंटर पॉइंट से ही सारी वैल्यूज़ को रीड करता है, चाहे वो डायामीटर हो चाहे वो लेंथ हो। तो ये तो था आपका एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, और अब मैं आपको निकालना बताता हूँ इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के जो कोऑर्डिनेट्स है वो। तो जॉब यही है सेम, मैंने इसी जॉब के सेम टू सेम जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो मैंने निकाले हैं कोऑर्डिनेट्स वो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग और एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग दोनों के निकाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग में एक्स को हम लोग यू लिखते हैं और जेड को हम लोग जो है वो डब्लू लिखते हैं। तो ये एक्स इंक्रीमेंटल वैल्यू आपकी इन एक्स एक्सिस एंड इंक्रीमेंटल वैल्यू इन जेड एक्सिस हो गया। तो सबसे पहला पहला जो कोऑर्डिनेट है, देखिए सबसे पहला पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो आपका सेंटर पॉइंट से ही रीड किया जाएगा। सीएनसी मशीन का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके अंदर क्या किया जाएगा, सेंटर पॉइंट से ही रीड किया जाएगा। ये आपका सेंटर पॉइंट है, इसी सेंटर पॉइंट से रीड किया जाएगा। और सबसे पहला पहला जो कोऑर्डिनेट्स है, तो एक्स की वैल्यू मतलब आपका यू, यू की वैल्यू पहले कितनी होगी आपकी, 30 रहेगी, डाया आपका 30 mm का है और लेंथ आपकी क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पे जेड की वैल्यू जो है वो क्या है, जीरो। अब जो दूसरा जो आपका कोऑर्डिनेट है उसके अंदर आपके जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने जीरो जीरो लगाई है। क्यों लगाई है, क्योंकि आपका डाया कितने एमएम का है, यहाँ पे 30 mm का डाया है। जब आपका टूल 1 नंबर कोऑर्डिनेट से चलता हुआ 2 नंबर कोऑर्डिनेट पे जब आपका टूल जाएगा तो आपके डाया के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इसलिए आप जो है वो 2 नंबर कोऑर्डिनेट पर एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे, जीरो। अगर यहाँ पर कोई भी अगर थोड़ा बहुत अगर इंक्रीमेंट हो जाता तो यहाँ पर आप वो वैल्यू आप डाल सकते थे। तो इसके अंदर क्या है कि आपका जो डाया होगा वो इंक्रीमेंटल डाया और डिक्रीमेंटल डाया को लिया जाएगा, उसके बाद में जो लेंथ जो होगी आपकी, पहला पॉइंट तो सेंटर पॉइंट्स को रीड करेगा और जो दूसरा पॉइंट होगा वो लेंथ फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट पे, कि आपका जो पहला पॉइंट है वो कहाँ पे रुका वो उसी पॉइंट को जो है वो सेंटर मानेगा। तो आपका जो दूसरा जो पॉइंट है वो आपका यहाँ से चला हुआ टूल आपका 30 mm डाया से आगे चला, 2 नंबर पे पहुंचा, तो डाया यहाँ पर भी कितने का है, 30 का, या कोई इंक्रीमेंट नहीं है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे, जीरो जीरो कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अगर इंक्रीमेंट हो जाता तो टूल आपका ऊपर या नीचे आ जाता। अब इस वाले पॉइंट से टूल आपका चलता हुआ आगे की ओर बढ़ा, डाया में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ लेकिन लेंथ के अंदर क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, वो भी कितने का हुआ आपका, 20 mm का। तो यहाँ पर हम लोग आपका जो यू की डब्ल्यू की जो माइनस की वैल्यू है, जेड की वैल्यू वो कितना आ जाएगी, 20 mm आ जाएगी। अब आगे की ओर बात करते हैं, 2 नंबर कोऑर्डिनेट से आपका टूल 3 नंबर कोऑर्डिनेट पे जा रहा है, तो 2 नंबर कोऑर्डिनेट से टूल अगर आपका 3 नंबर कोऑर्डिनेट पे जा रहा है तो आपका जो डाया है वो कितने एमएम का है, 40 mm का, और ये डाया कितने एमएम का है आपका, 30 mm का। तो अब हमें पता लगाना है ये कि हमारे डाया के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है। तो हमारा डाया पहले 30 mm पे, 30 mm डाया पे वर्किंग कर रहा था टूल हमारा, अब हमारा टूल जो है वो 3 नंबर कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया, तो डाया हमारा यहाँ पे 40 mm का बन गया। तो 40 mm के ऊपर जब टूल हमारा गया तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर डाया के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, अब ये वाला डाया हमारा 30 का और ये वाला डाया हमारा 40 का, तो टोटल इंक्रीमेंट जो है वो कितने का हुआ, 10 का हुआ है। तो 10 mm का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 3 नंबर कोऑर्डिनेट के ऊपर हमारा जो टूल है उसने इंक्रीमेंट किया है कितने का, 10 का। तो यहाँ पर जो आपको है वो कितना लेना पड़ेगा, आपको 10 mm लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो टूल है वो प्रीवियस पॉइंट को ही सेंटर मानेगा।
और लेंथ के अंदर आपका कोई इंक्रीमेंट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि टूल यहाँ से जब यहाँ पर चला तब लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट हुआ था। अब टूल आपका यहाँ से जब चला ऊपर की ओर गया तो यहाँ पर लेंथ में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ओनली फॉर डाया के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपका जो जीरो कर दिया मैंने यहाँ पे। अब कोऑर्डिनेट नंबर चार, कोऑर्डिनेट नंबर चार पे जब हम जाएंगे तो तीन नंबर कोऑर्डिनेट से आपका टूल चार नंबर कोऑर्डिनेट पे जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी? एक्स की वैल्यू होगी आपकी, एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी, सॉरी आपका जो तीन नंबर कोऑर्डिनेट से चार नंबर कोऑर्डिनेट पे जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू देखो सेम डाया है 40 का, तो एक्स की वैल्यू तो हम जीरो जीरो करेंगे। और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? जेड -25 हो जाएगी, क्योंकि आपका तीन नंबर से लेकर के चार नंबर जो कोऑर्डिनेट है उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? वो 25 mm है। तो यहाँ पर मैंने आपका जेड -25 कर दिया। अब कोऑर्डिनेट नंबर पाँच, कोऑर्डिनेट नंबर पाँच पे जाने के लिए आपका जो टूल है उसके अंदर कितने mm का, आपकी जॉब में कितने mm का जो है वो इंक्रीमेंट हुआ? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डायामीटर जो है वो 50 mm का है, यहाँ पर डायामीटर जो है वो 40 mm का, तो टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ वो आपका 10 का हुआ है, 10 mm। तो पाँच नंबर कोऑर्डिनेट के ऊपर जो है हमारा जो इंक्रीमेंट हुआ है वो आपका 10 mm का हुआ है, और यहाँ पर लंबाई में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि आपका टूल सिर्फ इस वाले पॉइंट से ऊपर की ओर गया, ना कि वो लेंथ में इधर उधर कहीं गया है। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो आपका जीरो रहेगा। तो ये जो इंक्रीमेंटल वैल्यू और आपका एब्सोल्यूट जो वैल्यू के जो मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, इसको आप ध्यान से देखते रहिए हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं आपको सारी की सारी जो भी सीएनसी मशीन की जो प्रोग्रामिंग से संबंधित जितनी भी वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचाता रहूँगा, और आप इस चैनल को देखते रहिए, और ये हमारा जो है वो पूरा का पूरा कंटेंट है, और इसको समझते रहिए अपना, और घर पे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।